हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुगरी ट्रीट्स बाय रीमा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलिया भट्ट का फेवरेट मिल्क केक हाँ ये केक आजकल बहुत ट्रेंडिंग और वायरल चल रहा है यूट्यूब पे तो सोचा चलिए इसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने ना मिल्क केक बनाया है ट्रस्ट में घर पर सबको बहुत पसंद आएगा ये केक अच्छे से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो और इसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो बहुत सिंपल है और बहुत ही इंस्टेंट वे में, में बन भी जाता है तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे बनाया मैंने इसे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है दूध अब दूध के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है विनेगर और अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है और साइड में रख दिया है दूसरे बोल में मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है ये मैंने रेगुलर जो मेरे घर पे ऑयल आता है तो मैंने यहाँ पे कैनोला ऑयल का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने शुगर डाल दी है कैस्टर शुगर ली है मैंने और अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दिया है उसके बाद में मैंने ना यहाँ पे दूध जो वेनेगर डाल के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है उससे थोड़ा सा दूध है ना फटा फटाफटा सा होता है और बहुत अच्छा स्पॉन्जी टेक्सचर आता है केक में उसके बाद में हम डाल देंगे मैदा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ये केक की स्पेशलिटी और ख़ास बात यह है कि ये केक हम मिल्क से बना रहे हैं और इसमें हम कोई दही मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क कुछ नहीं डालने वाले सिर्फ मिल्क से बनाने वाले हैं अब यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस और कॉन्स्टाच डाल दिया है वन टेबल स्पून अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है यहाँ पर मैंने जो टिन है ना वो देखी फ्लैट है टिन ज़्यादा चौड़ा नहीं है और मतलब ऊँचाई में ज़्यादा नहीं है फ्लैट टिन मैंने लिया है उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और अच्छी तरीके से उसे डस्टिंग करके रेडी कर दिया है तो अभी हम देखेंगे कि हमने जो रेसिपी बनाई है उससे हमें कितना केक मिलने वाला है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने है ना तो यहाँ पर देखिए विंग स्केल के ऊपर मैंने वो बर्तन रख दिया था और सारा जो बैटर था उसमें पोर कर दिया है तो यहाँ पर हमें फाइव एटी आप पकड़ लीजिए फाइव सेवेंटी नाइन होता है तो फाइव एटी तक का हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस बैटर को अच्छी तरीके से फ्लैट कर देंगे यानी एक बार टैप कर देंगे और फिर इसे बेकिंग के लिए रख देंगे बेकिंग के लिए यहाँ पे वन सेवेंटी फाइव डिग्री पे पंद्रह से बीस मिनट या फिर हो सकता है थर्टी मिनट्स भी लगे डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन अब हम बनाते हैं मिल्क तो यहाँ पर ना हमें तीन अलग अलग तरीके का मिल्क लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है फिर उसमें जाएगा कंडेंस मिल्क अब कंडेंस मिल्क है ना आप जितना स्वीट खाते हो ना उस हिसाब से डालिए पहले मैंने फिफ्टी ग्राम्स डाला था उसके बाद में मैंने और फिफ्टी ग्राम्स ऐड किया है अब इसमें डालेंगे हम क्रीम तो यहाँ पर आपको व्हिपिंग क्रीम लेनी है तो ट्रस्लिचिस करके के केक है वो हम बना रहे हैं बट हम इसे मिल्क केक भी कहते हैं ट्रिस का मतलब होता है तीन अलग अलग तरीके का दूध तो यहाँ पे हमने डाल दिया है अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे बॉईल आने के लिए रख देंगे तो ये देखिए मैंने मिल्क मेड एड किया है इसमें अब मैंने यहाँ पे ना एक बोल में विपिंग क्रीम ली है उसे मैं अच्छी तरीके से फेट लूँगी ये देखिए हमारा मिल्क बन रेडी हो चुका है अब हम इसे ना साइड में रख देते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और जो केक जब था हमारा स्पॉन्ज वो अच्छी तरीके से बेक हो चुका है ये देखिए इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हम क्या करेंगे ना इस केक को हम फोक की हेल्प से कुछ इस तरीके से देखिए प्रेस कर देंगे सारी जगह पे ताकि हम जब इस पर मिल्क डालें तो वो अच्छी तरीके से सोक कर ले अब या तो फिर आप डायरेक्टली ये टिन के अंदर भी कर सकते हो डायरेक्ट मिल्क पोर कर सकते हो बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट पे और फिर मैं उसमें ये देखिए मैंने एक प्लेट पे इसे निकाल लिया है कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा बनाया ये केक अब मैं इसके ऊपर ये मिल्क डाल के अच्छी तरीके से इसकी सोकिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से उसे सोक कर देंगे और फिर सोक करने के बाद में हम इसे फ्रिज में रख देंगे हाफ एन आवर के लिए ताकि ये जितना भी हमने मिल्क इसके ऊपर पोर किया है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए और फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने मिल्क डाल दिया है आप चाहो तो वो टिन के अंदर भी डायरेक्टली डाल सकते हो अब ये क्रीम जो है ना इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क मेड डाल देंगे यानि कंडेंस मिल्क डाल देंगे स्वीटनेस के लिए मिक्स कर देंगे और फिर वो केक के ऊपर हम लगा देंगे तो केक को सिर्फ ऊपर की साइड से ही हम ये क्रीम लगाएंगे चारों बाजू से हम इसे कोट नहीं कर रहे हैं आप चाहो तो इसे चारों बाजू से कोट भी कर सकते हो ये देखिए एक अच्छा सा मोटा सा लेयर आपको देना है क्रीम का और इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है अगर आपके पास ना हो तो आपको जो भी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप उससे इसे गार्निश कर दीजिए बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पर हमारा ट्रेस लेचस मिल्क केक बनकर के रेडी हो चुका है में गाइस ये आप अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आप रोज़ फ्लेवर रसमलाई फ्लेवर या फिर फलूदा फ्लेवर बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हो और ख़ास बात ये है कि बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा तो है ना मज़ेदार से दिखने वाला ये केक उतना ही ये टेस्टी है तो आप ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे तब तक के लिए सी यू बाय बाय आप ये घर पे बनाइए केक और हमें कमेंट में बताइए मैं कर रही हूँ इसे एंजॉय